टू, डी टू, एंटर प्रेस किया, फिर ई पे क्या है आपका 11, एंटर प्रेस किया, फिर आपका एफ पे क्या है 20, एंटर प्रेस किया, फिर 10 पे क्या है आपका 7E, एंटर प्रेस किया, फिर 11 पे क्या है आपका 23, एंटर प्रेस किया, फिर 12 पे क्या है 0D, एंटर प्रेस किया, फिर 13 पे क्या है C2, एंटर प्रेस किया, 14 पे आपका है 0C, एंटर प्रेस किया, 15 पे क्या है 20, टाइप किया, एंटर प्रेस किया, फिर 16 पे क्या है आपका 32, एंटर प्रेस किया, फिर आपका 17 पे 00, एंटर प्रेस किया, 18 पे आपका 21, टाइप किया, एंटर प्रेस किया, फिर 19 पे आपका क्या है 76, टाइप किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, नॉर्मल मोड पे आ जाएगी किट, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जी प्रेस किए और लोकेशन डालेंगे हम अपना 2005, क्योंकि 2005 से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे टाइप किया 2005, फिर उसके बाद हम शिफ्ट प्लस डॉलर साइन प्रेस किए, एग्जीक्यूटिंग लिख के आ गया। इस तरह एग्जीक्यूटिंग लिख के आए तो आप रीसेट बटन को प्रेस करिए और फिर इसके बाद अब आपको आउटपुट कहाँ देखना है, 2100, किस लोकेशन पे, 2100 पे, तो एम प्रेस किए और 2100 यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आउटपुट मेरा 90 दिखा दिया, लार्जेस्ट नंबर मेरा 90 शो किया यहाँ पे। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, इफ यू अगेन सी we have the numbers in the sequence, that is 24, 28, 90 and 12. So out of these four numbers, the largest one is the 90, which we have got on the display. You can see on the memory location 2100. So this is how we have performed the programming for the finding of largest number in an array of data using 8085. So thank you very much. सभी को समझ में आ गया? हेलो, सभी को समझ में आ गया? सभी ने अपनी अटेंडेंस मार कर दी बेटा? सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, सभी को ये समझ में आ गया? अभी जो प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे थे वीडियो के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, आप में से अगर कोई कॉलेज में आके डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहे तो अपना नाम सजेस्ट कर सकता है, अपना नाम दे सकता है मुझे, ठीक है, और शेड्यूल उसको बता दिया जाएगा और आके यहाँ पे लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहे तो। सर कॉलेज कब खुलेगा बेटा? हम नहीं बता सकते, अभी बच्चों के लिए ओपन नहीं है, स्टाफ और फैकल्टीज के लिए है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट यहाँ करवा सकते हैं, ठीक है, इफ यू स्टूडेंट वांट टू कम टू जॉइन फॉर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही चलेंगी अभी, तब तक कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आता, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को? हेलो, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे मतलब कल जो नेक्स्ट टर्म पे आपका जो है ये स्टार्टिंग के 3, अभी जो 6 एक्सपेरिमेंट तक हो गया है, तो नेक्स्ट टर्म पे आपका वाइवा होगा, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट जो इधर 3 एक्सपेरिमेंट हो गए आपके, पहले 3 एक्सपेरिमेंट का वाइवा हो गया था, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उस पे आपका नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट मीन 4, 5, 6 का वाइवा होगा, ठीक है, आज हमने 5 और 6 कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट टर्म पे आपका वाइवा होगा इन 4, 5, 6 का,
मैनुअल आई विल सेंड यू, क्लियर? आप लोग उसको सबमिट कर दीजिएगा मुझे. और इसके अलावा जो है कल आपका जो है मिड सेम होगा, ठीक है? तो आई विल सेंड यू द शेड्यूल इन योर क्लासरूम. टाइमिंग इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू, क्लियर? एनी अदर क्वेरी बाय समवन? किसी को कोई क्वेरी है? ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. क्लियर? यस सर. थैंक यू क्लास.